एवरीवन, आई एम पूजा पोखरण। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद प्रयागराज से आउट की गई है। एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। होम पेज पे ही अनाउंसमेंट सेक्शन में व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट नंबर पे ही रोलिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2022 16 दिसंबर 2022 को जारी किया गया है। यहां से आप क्लिक करेंगे तो फैकल्टी पोजीशन की एक लिंक ओपन होके आ जाएगी। यहाँ से आप डिटेल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में दिया गया था डिटेल एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड रिक्रूटमेंट रूल्स को यहाँ से देख सकते हैं। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं डिटेल्स को डाउनलोड कर लिया है, आइए देख लेते हैं क्या डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2022 है एंड परमानेंट पोजिशंस के लिए वैकेंसी है। कुछ वैकेंसी इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है एंड कुछ वैकेंसीज आपके परमानेंट बेसिस पर है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट है यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए। एंड अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज हैं। एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर संबंधित सब्जेक्ट में आपका PhD होना चाहिए एंड स्पेशलाइजेशन भी दिया गया है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट देख लेते हैं। डिपार्टमेंट की बात करें तो अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट है, PhD मांगा गया है, स्पेशलाइजेशन यहाँ पर दिया गया है जो कि टर्बुलेंस मॉडलिंग या CFD, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डिवाइस डेवलपमेंट, कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैकेनिक मशीन लर्निंग इन द एरिया ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स में होना चाहिए। ये आपका स्पेशलाइजेशन मांगा गया है, जबकि बायोटेक्नोलॉजी में PhD मांगा गया है जो कि स्टेम सेल एंड टिश्यू इंजीनियरिंग बायोमटेरियल्स में होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फॉर केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रियल कैटालिस्ट में होना चाहिए, जबकि केमिस्ट्री में PhD मांगी गई है जो कि ऑर्गानो कैटालिस्ट इन ऑर्गेनिक बेस्ड मटेरियल केमिस्ट्री में आपकी स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग के लिए वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, GIS रिमोट सेंसिंग में मांगा गया है। जबकि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, कंप्यूटर सिस्टम एंड इंजीनियरिंग में आपका स्पेशलाइजेशन मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में VLSI, RF, माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग में PhD यहाँ पर मांगी गई है। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन आपके इन क्षेत्रों में होना चाहिए। GIS में, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में यहाँ पर PhD मांगी गई है जो कि डिजिटल फोटोग्रामेट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन एंड हाइड्रो स्पेक्ट्रल इमेज प्रोसेसिंग में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में PhD मांगी गई है जो कि मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन HRM में प्रोफेशनल एथिक्स में मांगा गया है। मैथमेटिक्स के लिए डायनामिकल सिस्टम, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में मांगा गया है। मैकेनिकल के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, डिजाइन इंजीनियरिंग में मांगा गया है स्पेशलाइजेशन। फिजिक्स में न्यूक्लियर, हाई एनर्जी फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉन लीनियर डायनामिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स में मांगा गया है। जबकि मैनेजमेंट स्टडीज में ऑपरेशंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मांगा गया है, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। एंड जिन भी कैंडिडेट की PhD BTEC के बाद है उनको यहाँ BTEC या इक्विवेलेंट डिग्री माना जाएगा जो कम से कम 75% मार्क्स के साथ में आपका होना चाहिए। एंड अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। सैलरी लेवल की बात करें तो प्रोफेसर में लेवल 14A की सैलरी है, एसोसिएट में
लेवल 13A2 की है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट में यहाँ पर लेवल 12 की सैलरी है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकेंड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दिया गया है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फिल किया जाएगा ग्रेड सेकेंड का, लेवल 11 की सैलरी है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकेंड यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, लेवल 10 की सैलरी यहाँ पर है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फिल की जा रही है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 1000 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट के लिए किसी भी तरह की फीस आपको सबमिट नहीं करनी है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हार्ड कॉपी भी सेंड करना है। हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, हेड रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का आपको नाम लिखना है, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद प्रयागराज 211004 उत्तर प्रदेश इंडिया, आपको इसे सेंड करना है। इसके अलावा एनवेलप के ऊपर में एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन टू बी सबप्रोसेस, साथ ही आपको एनवेलप के ऊपर में एप्लीकेशन बी सुपर स्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक लेवल लिखना है, डिपार्टमेंट कौन सा है और डिपार्टमेंट लिखना है, टू बी रिप्लेस विद द नेम ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में ये आपका पहुंच जाएगा। ये सारे डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में क्या किस वर्क के लिए क्या क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा, ये पूरी डिटेल्स आपकी यहाँ पर दिया गया है शेड्यूल ई में। जैसा कि आप देख रहे हैं शेड्यूल ई में पेज नंबर 22 पे असिस्टेंट प्रोफेसर क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए क्या आपको एसेंशियल क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। किस किस प्रोजेक्ट के लिए क्या डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, डिटेल्स देख सकते हैं, आइए देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना, वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे, नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको इधर में आगे स्क्रॉल डाउन करना है, एक्नॉलेजमेंट को कन्फर्म करने के प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एप्लीकेंट फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड कैप्चा को फिल करके आपको सबमिट कर देना, रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉग इन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके आप उसे सबमिट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग यूजर में ईमेल आईडी पासवर्ड जो आपने बनाया था वो क्रिएट करना है, एंड यहाँ पर कैप्चा को फिल करके लॉग इन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके देन उसे आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।